अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर को करते हैं कंटिन्यू। मैं ओपन करता हूँ HTML में। मैंने आपको ये बनाना सिखाया था, इसके अंदर मैं मर्की टैग कैसे बनाते हैं। सब लाइन में ओपन करते हैं टेक्स्ट 3 को, ठीक है। इसकी स्क्रीन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि काम समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और इसको कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर HTML हमारे पास पड़ा है, तो इसको ही मैं जाके इसके अंदर स्क्रोल डाउन करके अच्छा लेके चले जाते हैं और ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कल कोडिंग की हुई थी, आज इससे आगे कोडिंग करते हैं हम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसको लेके आता हूँ, इसका मैं कहता हूँ कि स्पीड का थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये मर्की टैग था हमारे पास। मर्की के अंदर रहते हुए अब हमने काम करना है। मैं इसको एक बिहेवियर देता हूँ, मैं कहता हूँ इसका बिहेवियर जो है ना वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब बिहेवियर कौन सा होना चाहिए? मैं कहता हूँ डाउन पे, ठीक है। ले जी, ये रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे पास इसकी स्क्रीन थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से ये अभी से वर्क नहीं कर रहा डाउन पे। तो इसका बिहेवियर को छोड़ के मैं इसको क्या कहता हूँ, इसका स्क्रोल माउंट कर लेते हैं सबसे पहले, उस पर हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसका स्क्रोल अमाउंट हो जाए 20, ठीक है। अब ये स्क्रोल अमाउंट क्या होता है? ये स्क्रोल अमाउंट होता है इसकी स्पीड। अब ये देखिए इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज़ हो चुकी है, तेज़ हो चुकी है, ठीक है। आप जब भी डेली वर्क पे काम करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ चेंज करते रहा करें, ठीक है। मसलन कि यहाँ पे अब कलर है, ठीक है, मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ सी ग्रीन कलर, ठीक। इससे आप कलर भी चेंज करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। सी ग्रीन तो ज़्यादा इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ मैं आके कह देता हूँ सिंपल ब्लू कलर ले लीजिए, ठीक है। अब इसकी स्पीड देखिए ज़्यादा कर दी है, मैं चाहता हूँ इसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा हो, तो ये जहाँ पे 20 है यहाँ पे मैं 30 कर लेता हूँ और इसको कर लेते हैं स्पीड ज़्यादा। ये देखिए इसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं ये चाहूँ कि इसका थोड़ा सा चेंज किया जाए, मसलन कि माउस इसके ऊपर लेके आया जाए, ये देखिए माउस आता है ना, ये रुकता नहीं है। मैं चाहता हूँ माउस इसके ऊपर आ, ये रुक जाए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि ऑन माउस ओवर, ठीक है। जैसे इसके ऊपर माउस आए तो ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। स्टॉप के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज हम लोगों ने करनी है। इधर आया, रिफ्रेश किया, अब ये देखिए ये जा रहा था, जैसे माउस इसके ऊपर आया ये यहीं पे स्टॉप हो चुका है, ठीक है। अब माउस साइड पे करने से ये प्ले नहीं हो रहा, रिफ्रेश करने से ये देखिए ये प्ले हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही माउस इसके ऊपर आएगा ये वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। ये देखिए माउस लेके आया, ये रुक गया, ठीक। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि आपको डबल स्टेप में नज़र आए, तो यहाँ पे आके कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये देखिए अब दोनों हो रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर माउस है, ये रुक जाए, माउस साइड पे करूँ ये प्ले होना शुरू हो जाए, ठीक है। इसके लिए अब हमने क्या करना है, इसके लिए हम यही करेंगे, ये जो स्टॉप के बाद यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आता हूँ मैं, फिर क्या कहता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑन ऑन माउस आउट, कि जैसे इससे माउस आउट हो तो ये क्या हो जाए, ये स्टार्ट हो जाए, चलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, अब ये देखिए माउस लेके आए, रुक गए, माउस साइड पे किया स्टार्ट हो गया, माउस ऊपर लेके गया इसको, ये फिर स्टॉप हो गया। इस तरह ये देखें, ये ऊपर वाला हमने रोक दिया, ये प्ले नहीं होगा क्योंकि इस पर हमने कोडिंग नहीं की, सिर्फ इस पर कोडिंग की है, ये देखें ठीक हो गया। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं और स्पीड के साथ साथ क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं माउस के साथ भी ले जाके। अच्छा, एक चीज़ वो रह गई थी, अब हमने जो इसका बिहेवियर वो डायरेक्शन मैंने बोला था अप डाउन होने वाली, चले वो भी इस पर एड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ डायरेक्शन, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे हो जाए, वो डाउनवर्ड हो जाए। अब इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये देखें अब इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे नीचे आनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसकी मैं स्क्रोल डाउन की जो स्पीड है वो कम कर लेता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसको कर लेता हूँ 10। इधर आया, रिफ्रेश किया, ये देखें, ठीक है। अब कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह ये क्या होगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये इसी तरह प्ले होता रहेगा, ठीक है। माउस लेके जाएंगे स्टॉप हो जाएगा, माउस साइड पे करेंगे प्ले हो जाएगा, ठीक। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कल मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज़।